I've been in a relationship with Sardar Singh for the last 4 years. Physical relationships developed. I fell pregnant with Sardar Singh's child. After consulting with Sardar and consulting him on this matter, Sardar refused to speak to me and was adamant that I should abort the child right away. After this matter, Sardar Singh abandoned me, doesn't speak to me, has been in no contact, no messages, nothing. Now we're after being physically and emotionally, mentally harassed and blackmailed by Sardar Singh. And now my FIR complaint is filed and we'll see where it goes from here. As a woman, I want justice. आपकी मंगनी हुई थी ये बताइए। नहीं जो भी आपके क्वेश्चन है मैं बिल्कुल इनका आंसर करूंगा, मेरे को थोड़ा टाइम। देखो जी कोई गल नहीं, साढ़े सामने कोई गल नहीं है जी, वो लड़की कर दी है की वो कर दी फिर दी, सानू उहदे बारे भी कोई पता नहीं। बाकी पूरी गल जिहड़ी वो सरदार सिंह जी तुहाडे मीडिया जरिए अज शाम नूं कॉन्फ्रेंस करके दसेगा। उनकी फोटोग्राफ्स भी है, उनकी रिंग सेरेमनी भी हो चुकी है, दोनों के पेरेंट्स भी मिल चुके हैं। वो अब वो कह रहा है कि मैंने मैरिज नहीं करनी। अगर महिला किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, अपनी इच्छा से बना रही है, मगर किसी दिन वो नहीं बनाना चाहती और उसके साथ इस किस्म की जबरदस्ती हो रही है, चाहे वो एक लव रिलेशनशिप हो या लिव इन रिलेशनशिप हो, तो ये बिल्कुल गलत है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई। और अगर नहीं की गई, वो स्वेच्छा से संबंध बना रही थी और एक दिन उठकर कहती है कि उसके साथ बलात्कार हो रहा था, तो बिल्कुल गलत है और इस किस्म की हरकतों से महिलाओं को बचना चाहिए।